नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आप सबको अच्छा लगेगा। तो हमारी एक कल बहन बोली थी, संगीता ये अंजलि क्या बोलती है, समझ में नहीं आता है। तो हमारे कई भाई बहन बोले थे कि चैनल की बटनिया, जो सब्सक्राइबर का आप सब देखे होंगे लाल लाल रहता है, जब उसको टेस्ट कर दोगे तो करिया हो जाएगा। तो अंजलि के कहने का मतलब ललकी बटनिया करिया कहेगी। तो चाय हमारा बन गया है, इधर दाल चावल भी पक गया है, चलते हैं छानते हैं, बच्चे सब पीते हैं और ये सबको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। चंदन के पापा फर्श पे तराई मार रहे हैं, तो गुंजन टिफिन में खाना रख रही हैं, ये दे देती हूँ इन सबको, चाय पीते हैं। ये लो शीतल चाय पी लो, पी लीजिए। तो चाय पी रही हैं अभी इन सबको, तो आप सबको पीने के लिए बुला रही हूँ चाय। तो सब लोग तैयार हो गए हैं, गुंजन सब निकालने गई हैं घर में कुछ सामान, अंजलि बोतल से पानी भर लाई, अब जा रही हैं ये सब। ऐसे नहा नहा कपड़े कुछ बिखरा दी हैं, अभी हटाते हैं। और मछलियाँ बहुत आ रही हैं, अब तो जा रही है टिफिन लेकर आ रही है। हाँ, टीचर भी जा रही है खाना लेकर। तो बच्चे सब स्कूल चले गए, अब हमारा ड्यूटी है खाना बनाना और वीडियो बनाना। चंदन भी जा रहे हैं, मोबाइल अभी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज गैस ख़त्म हो गया है, चूल्हे पे बना रहे हैं खाना। तो यहाँ पर चूल्हा जला दी हूँ और गैस पे कढ़ाई रखी थी, देखिए आधा तड़का पका आधा कच्चा ही रह गया, दाल चावल बन गया था। तो यहाँ पर चूल्हा हमारा जल रहा है, अब चलते हैं कढ़ाई को रख देते हैं। कढ़ाई को रख दी हूँ, चलती हूँ सब्जी को तड़कती हूँ। तो बड़ा मुश्किल से जाकर चूल्हा जला, अगर डेली हम चूल्हे पे बनाते तो चूल्हा जल्दी जल जाता, लेकिन कि मिट्टी गीली रहती है तो बहुत टाइम लग जाता है पकड़ते हुए। तो यहाँ पर मैं सब्जी तड़क रही हूँ, तो मालूम नहीं था कि गैस ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो चूल्हा मैं पहले से बना लेती, क्या करूँ काम में लगी थी। और देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है, आज चूल्हे का खाना बनेगा, बड़ा अच्छा बनेगा। कढ़ाई में सब्जी डाल दी हूँ, आलू और सोयाबीन का सब्जी बन रहा है, नमक डालना बाकी है और हवा चल रहा है, कहीं इधर भाग रहा है। तो आज अकेले वीडियो भी बना रही हूँ, दिखा भी रही हूँ आप सबको, सब्जी हमारा पक भी रहा है, आज चूल्हे का खाना स्वादिष्ट बनेगा। तो चारपाई पे आ गई, धुआं बहुत लग रहा था, और यहाँ पर बन रहा है खाना, अभी बन जाएगा, सब्जी बन रहा है, रोटी बनाना है। तो आज हमें जाना था चौराहे पे, कुछ ज़रूरी सामान घटा है सब लाने, तो अभी तो सब्जी पकने में लेट होगा। और धुआं खूब हो रहा है, लकड़ी सब बिखर गई किचन में। तो कुछ इस तरह सब्जी हमारा अच्छे से पक रहा है, खाना बना के चली आई। यहाँ पर निराई कर रहे हैं और ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि शर्ट उतार दिए हैं। चंदन यहाँ पर निराई कर रहे थे, आराम कर रहे हैं। तो आज धूप नहीं है, कुछ इस तरह हमारा धान हो गया है, देखिए। तो खेत में आई, अभी खाना नहीं खाए हैं कोई, दिन के 11:30 बज गया है, तो लेट हो गया, खाना ही बनाते आज। चंदन यहाँ पर आ रहे हैं। तो चंदन के पापा निराई करके आ गए, शीतल गुंजन अंजलि भी आ गई पढ़ के,
सब वहाँ कपड़ा अपना निकाल रहे हैं खेत से, हम भी चले आए और ये धुल के रख दिए हैं। यहाँ गुंजन अभी आई हैं, गुंजन भीगी हुई हैं पसीने से, खाना यहीं पे रखे हैं। तो दोस्तों आए थे चौराहे पे सामान खरीदी, तो चौराहे से चली आई दोस्तों। ये मिक्स मसाला जो डेली मैं सब्जी में डालती हूँ वही ली हूँ, एक पाव टमाटर ले ली हूँ। और हमारे यहाँ आलू बहुत महंगा हो गया है, यही है कि बैंगन 30 रुपया किलो था तो आधा किलो बैंगन ले ली हूँ। ये वाला बैंगन है, इसका सब्जी बहुत अच्छा लगता है। और 10 रुपये का लौकी, अब जाकर लौकी सस्ती हुई है, इसमें ना खून मत लगाओ गुंजन, इसको भी बनेगा। और यहाँ तो ये हरा मिर्चा ले ली हूँ, तीखा वाला है ये, इसी सीजन में मिलता है, गर्मी में नहीं मिलता ये, तो कुछ इस तरह है देसी मिर्चा। तो दोस्तों पूरा गर्मी बीत गया, और आप सब बोलते थे सूती वाला सूट पहना करो काटन वाला संगीता, गर्मी है कैसे साड़ी में रहते थे, कैसे साड़ी में रहती हो। तो दोस्तों हम सब का एक आदत सा बन गया है साड़ी डेली पहनना, हर काम करना। तो हम 150-150 का यहाँ पर मिक्सी ले ली हूँ अपनी वही मार्केट से, पैसा तो मांग बहुत रहे थे ज़्यादा दुकान वाले, लेकिन तो हवाई दाम। ये वाला है, ये सूती का नहीं है, मैं बोली भैया एक बार मैं ली थी तो फट गया था जल्दी से, तो बोल रहे थे ये वाला ले जाओ फटेगा नहीं, तो बताना आप सब ये फटेगा जल्दी कि नहीं। सूती वाला सड़ जाता है जल्दी, फट जाता है, देखिए ये फैल रहा है इस तरह से, ये काटन वाला है ये नहीं फैल रहा है कुछ इस तरह से। तो ये वाला है मिक्सी, अब की बार ली हूँ तो बताना आप सबको दोनों में कौन सा अच्छा लगा। तो ज़्यादा वीडियो मैं रास्ते का नहीं बना पाती ना, तो चौराहे का बनाती हूँ, क्योंकि तो इतना सारा मैं सामान ले आई, सामान वीडियो छोटा बन पाया, इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं घर पे थी ही नहीं, चली गई थी मार्केट और एक दो सामान और लाना था। तो अगली बार लाएंगे, हाँ दीवार पे लगाना है बोर्ड, वहाँ पर चला गया लाइट, तो बोर्ड महंगा मिल रहा था, और फिर व्यवस्था करके जाएंगे तो ले आएंगे। आप सब बोलोगे फालतू में इसको 300 में खर्च कर दी, तो ले ली, चंदन के पापा बोले खरीद ले लो, अब काम निकल गया है तो पहनने का। कभी कभी गर्मी क्योंकि समय रात में अधिक होती है। तो दोस्तों एक शिकायत और आया था कि संगीता जी गर्मी में कंबल ओढ़ के कौन सोता है, तो आप सब नोटिस किए होंगे गुंजन के बिस्तर पे भी कंबल पड़ा हुआ था, चंदन के पापा के बिस्तर पे भी, अंजलि की साइड में भी कंबल था कल वाले वीडियो में। तो ऐसा होता है ना, मौसम दो तरह का हो जाता है, जैसे सुबह के टाइम हल्का बूंदी बांदी हो गया तो तेज हवा और तेज ठंड होने लगता है, तो ओढ़ना पड़ता है इसीलिए। दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। कल वाले कमेंट में बहुत अच्छे से कमेंट आया, सभी भाई बहन को तहे दिल धन्यवाद, माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।